हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अर्थात इकाइयों, जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिनका द्वारा हम माप तौल करते हैं, किसी भी चीज का मेजर कर पाते हैं, या किसी लेंथ की करना हो, किसी ग्राम की करना हो, भार की करना हो, समय का करना हो, या किसी टेम्परेचर करना हो, इन सभी चीजों का माप तौल करते हैं हम, तो इसे ही यूनिट्स का मेजरमेंट कहा जाता है। और इन यूनिट्सों का मेजरमेंट एसआई सिस्टम कहलाता है। एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पूरे विश्व भर में लागू होता है। पूरे विश्व में इन मानकों का एक ही यूनिट्स होता है जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और अपने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज क्लास बात करेंगे प्राथमिक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं हमें पहले टॉपिक प्राथमिक इकाई के बारे में पहले हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर मेरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इसे हम संपूरक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्राथमिक यूनिट्स में सबसे पहला है लेंथ। क्या है लेंथ? तो लेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों? लेंथ मतलब होता है लंबाई। लंबाई यानी कि जिस चीज के हम लंबाई को नाप सके, जिस चीज से भी। तो लंबाई को हम किस चीज से नापते हैं? मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर में, ठीक है ना। और मीटर इसका क्या हो गया? नेम हो गया, सैंबल का नेम, और इसका यहाँ पर उसका सैंबल है, यानी कि स्मॉल एम के द्वारा हम मीटर को मेजरमेंट करते हैं और उसी के द्वारा हम लेंथ को नापते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आता है किलोग्राम। किलोग्राम का मास होता है यूनिट्स। क्या होता है? मास। और मास का सैंपल नेम हो गया किलोग्राम, और उसका यूनिट होता है केजी। यानी कि अगर किसी भी चीज को हमको वेटिंग करना है तो हमें क्या, किस चीज में वेटिंग करते हैं? किलोग्राम में वेटिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है टाइम, यानी कि सेकेंड। इसका सैंपल नेम सेकेंड होता है टाइम का, और इसका सैंपल होता है स्मॉल एस। यानी कि अगर हमें किसी भी समय को मापन करना है तो हम समय का मापन करने का सबसे छोटी इकाई को हम सेकेंड कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड ही सबसे परफेक्ट मापन होता है किसी भी समय का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। फोर नंबर मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसका क्या नाम है? सैंपल नेम है एम्पियर। इसके बाद आता है उसका सैंपल ए, यानी कि कैपिटल ए। कैपिटल ए के द्वारा हम एम्पियर को डिनोट करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक करंट को हम बताने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो वही इलेक्ट्रिक करंट की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो होता है करंट, उसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। अभी जो जैसा समय है हमारा, गर्मी का समय है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो हम इस तापमान को किस चीज में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। किस चीज में? केल्विन में मापते हैं, ठीक है। उस केल्विन का एसआई यूनिट्स का जो सैंबल होता है वो के होता है, यानी कैपिटल के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। तीव्रता अर्थात किसी भी चीज की तीव्रता मापना, भूकंप की तीव्रता मापना हो, या और भी किसी चीज का तीव्रता मापना होता है ना, या ल्यूमिनस की तीव्रता, यानी बहुत सारी तीव्रताएं होती हैं, इलेक्ट्रिक की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, बहुत सारी इंटेंसिटियां होती हैं। तो उनकी जो मात्रक होता है उसे कैंडेला में हम मापते हैं, और उसका सैंपल होता है सीडी, स्मॉल सीडी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि मात्रा, ठीक है ना। हम का मात्रा देखिए, यहाँ पे मास है,
यहाँ पर हम वेट की बात करते हैं और यहाँ पर मात्रा यानी कि हम उसके मात्रा की बात करते हैं, कौन सामान कितना है, कितना उसका क्वांटिटी यानी कि गिनती, समझे, उसकी गिनती को हम इसमें मात्रा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल होता है मोल, सैंपल नेम मोल हो गया और इसे स्मॉल एम ओ एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे एम ओ एल इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे तो मेरा हो गया प्राथमिक यूनिट्स। प्राथमिक यूनिट्स 7 होते हैं जो कि पूरे विश्व भर में एक जैसा ही रहता है। अगर हम इन मात्रकों के द्वारा कोई भी काम करते हैं इंडिया में, और अगर कहीं विदेशों में चले जाते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूएस में, चीन में, तो सभी जगह इन मात्रकों का यूनिट्स सेम होगा, हमें कोई गलत नहीं कह पाएगा, क्योंकि विश्व संगठन जो होती है एसआई सिस्टम का, उन लोगों ने एक साथ बैठ करके और इन मात्रकों पर विचार किया और निर्धारित किया कि इन मात्रकों का जो एसआई सिस्टम है वो पूरे विश्व में एक जैसा होगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, यानी संपूरक, संपूरक इकाई। इसका हिंदी नेम होता है दोस्तों संपूरक इकाई। ठीक है ना, संपूरक इकाई में एक आता है प्लेन एंगल। क्या? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, इसका हिंदी नाम होता है समतल कोण। ठीक है ना, तो समतल कोण का नेम होता है रेडियन, सैंपल नेम रेडियन होते हैं समतल कोण का, और रेडियन को आर ए डी से यानी कि स्मॉल आर ए डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, ठोस कोण यानी कि उसमें स्टेरेडियन के द्वारा उसको मापन किया जाता है, उसका नाम हो गया स्टेरेडियन, और एस आर के द्वारा उसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, हमने यहां बताया प्राथमिक यूनिट्स एसआई सिस्टम का, और एसआई सिस्टम का सप्लीमेंट्री संपूरक इकाई के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि व्युत्पन्न राशियां, दो राशियां तो मैंने बता दी, प्राथमिक इकाई और संपूरक इकाई। अब मैं आपको व्युत्पन्न राशियों के बारे में कुछ जानकारी देता हूं, और व्युत्पन्न राशियों के बारे में मैं आपको उसके इकाइयों के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, हाँ, तो आप यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास इतने सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, अब मैं आपको व्युत्पन्न राशियों के बारे में, इनके इकाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं। सबसे पहले व्युत्पन्न राशि में आता है फोर्स यानी कि बल, बल होता है ना, तो बल को जो हम मापन करते हैं उसका मापन, उसकी इकाई न्यूटन में किया जाता है। ये न्यूटन उसका सैंपल नेम है, और उसका मात्रक न्यूटन यानी कि कैपिटल एन के द्वारा उसे हम डिनोट करते हैं। इसे फोर्स को, फोर्स की इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, हम जो एरिया मापते हैं उसे हम इसमें मापते हैं, स्क्वायर मीटर में मापते हैं, ये इसका नाम हो गया। ठीक, और उसका सैंपल यानी कि मीटर स्क्वायर, यहाँ आप देख रहे हैं मीटर स्क्वायर इसका सैंपल हो गया एरिया का, उसे हम मीटर स्क्वायर में मापन करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है पावर, पावर की इकाई होता है वाट, देख लीजिए, और इसे मापन करते हैं वाट में। ठीक है, पावर को वाट में मापन किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट होता है डब्लू, ठीक, कैपिटल डब्लू। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मापन करते हैं हम ओम मीटर में, किसमें, ओम मीटर में, ओम में करते हैं, और इसका मात्रक होता है एम, ओम, इस प्रकार से इसका फिगर बनाया जाता है, देख रहे ना, इस प्रकार ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये ओम का सैंपल है दोस्तों। इसी सैंपल के द्वारा हम रेजिस्टेंस में जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका मात्रक ओम मीटर में ही किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है डेंसिटी,
ठीक है। डेंसिटी यानी कि घनत्व, किसी भी चीज का घनत्व कैसे निकालते हैं और उसका मात्रक कैसे होता है, और वो देखिए केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी कि केजी में मापन करते हैं, केजी के बटा में क्यूबिक मीटर होता है, देखिए केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी यानी कि वेग ना, वेग के बारे में, और वेग का जो साइन मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड एम बटा एस होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद आता है कैपेसिटेंस यानी कि हरारे, कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर के बारे में आप सुने होंगे ना, तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस से मिलकर बनता है और उसका होता है चालकता, ठीक है। तो इसका सैंबल नेम होता है फैराडे और इसका सैंबल चिन्ह होता है कैपिटल एफ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, इसका सैंबल नेम और इसका होता है एसआई यूनिट्स डब्ल्यू बी, स्मॉल डब्ल्यू बी होता है वेबर का। उसके बाद आता है प्रेशर, तो प्रेशर का होता है न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि न्यूटन और बटा में मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का एसआई यूनिट्स। इसके बाद आता है वर्क इनर्जी और हीट, वर्क इनर्जी और हीट ऐसी राशियां हैं जो कि तीनों का एक ही मात्रक होता है और वो मात्रक जूल होता है दोस्तों, देख रहे हैं ना, वर्क इनर्जी और हीट तीनों में आपको जूल दिखाया गया है, ठीक है, और तीनों का मात्रक न्यूटन मीटर ही होता है, क्या न्यूटन मीटर। अब हम बात करने वाले हैं इधर के मात्रकों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं इंटेंसिटी, इंडक्टेंस, ठीक, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का नेम होता है हेनरी, इससे सैंपल होता है एच यानी कि कैपिटल एच के द्वारा हम इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैंने चुंबकत्व प्लस घनत्व ना, इसका टेस्ला होता है साइन नेम और इसका टी से भी डिनोट करते हैं, डब्ल्यू बी बटा मीटर स्क्वायर से भी इसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसका होता है एसआई मात्रा रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन बटा सेकेंड भी उसे लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियन बटा सेकेंड। ये होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो वेव होता है ना, वेव, वेव यानी कि फ्रीक्वेंसी, और इसका होता है सैंपल हर्ट्ज एच, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, ठीक है। एम एम एफ यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न को ए टी से यानी कि स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक। इसका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका होता है एसआई सिस्टम यूनिट्स वोल्ट पर मीटर, वी बटा एम, कैपिटल वी और बटा में स्मॉल एम लिखा जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश का होता है ऐसा मात्रक कूलोम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद पोटेंशियल यानी कि विभव, विभव यानी कि विभव में अंतर, विभव सभी एक ही चीज होते हैं, जिसका मात्रक होता है वोल्ट और जिसे भी से डिनोट किया जाता है कैपिटल भी से। ल्यूमिनस प्लस, ल्यूमिनस प्लस का होता है ऐसा मात्रक ल्यूमेन, जिसे स्मॉल एल और एम से डिनोट किया जाता है ल्यूमिनस प्लस को। इल्यूमिनेशन यानी कि प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति जानते हैं ना, जो लाइट्स वगैरह जो हमारे घरों में जलते हैं उसकी तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस प्लस, प्लस हो गया यहाँ पर, और उसकी ल्यूमिनेशन यानी कि जो प्रकाश चलते हैं हमारे घरों में वो कितनी मात्राएं में चलते हैं, प्रकाश की मात्रा को मापने के लिए हम लक्स का प्रयोग करते हैं, जिसे एल एक्स से डिनोट किया जाता है। हाँ तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा, आज मैंने आपको
सभी राशियों के बारे में लगभग जानकारी देने की कोशिश की जो आपके लिए जरूरी है, आपके कोर्स के लिए भी। ठीक है, तो इन राशियों के बारे में आपको जानकर कैसा लगा और आपको इसमें आपका एसआई मात्रक और उनके नाम के बारे में भी जान पाए। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा इन व्युत्पन्न राशियां, प्राथमिक राशियां और सप्लीमेंट्री राशियों के बारे में। ठीक है ना, अब हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।